पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। ये जो डिस्काउंट है ना, हम खुद देते हैं और हम खुद ही बंद कर रहे हैं। कोई भी डिस्काउंट बोर्ड नहीं लगाएगा। डिस्काउंट बोर्ड लगाना कानूनी तौर पर नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी मेडिकल वालों ने डिस्काउंट देना चालू किया तो छोटी मेडिकल वालों ने बोला कि जब वो डिस्काउंट दे तो हम बिजनेस क्यों खराब करें। सब चैलेंज से देते हैं, अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो हमारे भाई साहब 20 देंगे, वो 25 देंगे। इसका मतलब आपके साथ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी हमारी। 10% डिस्काउंट देने से भी क्या नाम है, अगर मेडिकल वाला संतुष्ट है तो अपना मेडिकल स्टोर चालू रख सकता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह से ही मुमरा कौसा के मेडिकल स्टोर बंद है। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष शमी अब्दुल रहमान शेख ने बताया है कि मेडिकल बंद करने की वजह डिस्काउंट है। कई मेडिकल स्टोर पर 15-20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे मेडिकल वालों को इसका असर पड़ रहा है। डिस्काउंट देने वाले मेडिकल स्टोर अपने स्टोर पर बाकायदा डिस्काउंट का बोर्ड लगा रखे हैं, इसीलिए आज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये सभी मेडिकल स्टोर बंद किया गया है और डिस्काउंट बंद करने का भी फैसला लिया जाएगा, या फिर सबकी सहमति से 10% डिस्काउंट देने पर अगर बात तय होगी तभी मेडिकल स्टोर खुलेगी। और आज मेडिकल स्टोर बंद होने की वजह से कई मरीजों को दवाइयां लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि मुमरा कौसा के ज़्यादातर मेडिकल स्टोर बंद है। हालांकि शमी अब्दुल रहमान शेख ने बताया है कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक मेडिकल स्टोर वो खोलेंगे, क्योंकि लोगों के सहूलियत मिलनी चाहिए, जो मरीज़ है उन्हें दवा के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज पूरे मुमरा कौसा में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो है ये मेडिकल स्टोर बंद कराया गया है और इस पर उनकी चर्चा जारी है कि डिस्काउंट 10% दिया जाए या फिर डिस्काउंट बंद किया जाए, इस पर उनकी आपस में ही चर्चाएं हो रही है। और इन सब मामलों को लेकर मुमरा कौसा मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शमी अब्दुल रहमान, उन्होंने क्या बताया है आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमी अब्दुल रहमान शेख है। मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। क्या मामला क्या है आप लोग? मामला ये है कि मुमरा में 260 मेडिकल स्टोर है और वो सब लॉस में चल रही है, उसके अंदर बंद की कतार पर आ गई है। लोगों की फैमिली का पेट नहीं चल रहा है, लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है और वो अपने को सर्वाइव करने के लिए किसी भी हद में जा रहे हैं। इसलिए हमारे को लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई कम से कम है ना, दो जो एडवर्टीजमेंट होता है कि भाई हम इतना परसेंट दे रहे हैं, उतना परसेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से ग्राहक अट्रैक्ट होके वो उधर चला जाता है और जो बेचारे बहुत लॉस में हो गए वो बुरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे मिलने के बाद ये मुहिम चलाई गई है कि भाई दुकानें के ऊपर से बोर्ड हटा दिया जाए डिस्काउंट का। अब न्यू नूर जनरिको करके एक मेडिकल स्टोर था जिसने 16-17 लाख रुपया ऐसी डिस्काउंट देके लोगों का गबन करके अब कौन सा समर्थ मेडिकल स्टोर हो गया। कल समर्थ मेडिकल स्टोर पर गए, बोले भाई तू बोर्ड हटा दे, तो उसने पुलिस कंप्लेंट करा, पुलिस ने बुलाई हमें और बोली भाई तुम किसी का बोर्ड नहीं हटा सकते। तो हम लोग ने बोले ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने 17 मई को मीटिंग लिए थे और उसके यहाँ बोले थे कि कोई भी डिस्काउंट बोर्ड नहीं लगाएगा। डिस्काउंट बोर्ड लगाना कानूनी तौर पर नहीं है, मगर पुलिस ने बोली कि नहीं तुम किसी का हटा नहीं सकते। तो उसके ऊपर ठीक है, हमने बोले हटाएंगे नहीं, मगर जब हमारे मेंबरों के सामने रखा गया तो बोले जब हमारे को लॉसेस है ना तो उससे बेहतर बंद। इसलिए हमारे मेडिकल स्टोर ने बंद कर दी है। अब हो सकता है आज डिसीजन लेंगे कि पब्लिक की सहूलत के लिए शाम में 2-3-4 घंटा खुला रखेंगे, बाकी के दिन बंद रहेंगी। जब तक आप पूरे मुमरा में डिस्काउंट का मसला हल नहीं हो जाता, ये डिस्प्ले ख़त्म नहीं हो जाता,
क्योंकि आज का इसी तरह समत मेडिकल स्टोर वाले का जो 16-17 लाख रुपए नूर मेडिको जेनरिकों के नाम से था, वो डिस्ट्रीब्यूटर लोग अभी भी दौड़ रहे हैं और वो ज़बरदस्ती बोर्ड लगा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग तकलीफ में 260। इसलिए अभी 260 लोग है ना, अभी क्या होता है, डिस्काउंट देने को तो सब देंगे मगर लॉस तो कोई धंधा नहीं करेगा, इसलिए फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हरकत करना पड़ेगा। हम चाहते हैं लोगों की सेहत के लिए कि उनको बेहतरीन दवा मिले, इसलिए उनको फुल मार्जिन मिलना चाहिए। अब जब फुल मार्जिन मिलेगा, खुद का पेट भरा रहेगा तो लोगों को सेहत देगा। यहाँ के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं दरअसल वो कितना परसेंट डिस्काउंट देते हैं? यहाँ पर मेडिकल स्टोर का मैक्सिमम मार्जिन 21% है और एवरेज देखने जाएंगे तो 10% है, क्योंकि हर एक में 21% नहीं है, किसी में 7% है, किसी में 12% है, अगर एवरेज देखने जाए तो 10-12% होता है। मगर ये 10-12% के ऊपर अगर लोग 18% देंगे तो वो आपको कहाँ से ला के देंगे, ये तो बता दो कहाँ से ला के देंगे। इसका मतलब आपके साथ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएंगी हमारी। इसलिए हमने सब ने मिल के ये तय करे है कि लोगों के अवेयरनेस के लिए दिन भर दुकान बंद रखेंगे और लोगों की सहूलत के लिए 7 से 11 बजे तक का दुकान खुली रखेंगे। प्रिंस मेडिकल स्टोर रसीद कंपाउंड कौसा, ये जो डिस्काउंट है ना हम खुद देते हैं और हम खुद ही बंद कर रहे हैं, इस पर और से ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम डिस्काउंट देना बंद कर दें आज प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा कुछ मेडिकल स्टोर के लोग डिस्काउंट का जो है कोर्ट लगा कर रहे हैं? सभी लगाए थे, सभी ने लगाया था, अभी तो थोड़ा एसोसिएशन ने एक साल 4-6 दिन में किया, अभी सब ने निकाल दिया, सभी लोग लगाए थे, सब चैलेंज से देते हैं, अगर मैं 10 दे रहा हूँ तो हमारे भाई साहब 20 देंगे, वो 25 देंगे, सब देते हैं और रोना भी रोते हैं एक दूसरे में, चैलेंजिंग। हाँ चैलेंजिंग है, ये हम लोग खुद जब हमारा रोना रोते हैं तो दूसरा क्यों हमारी प्रॉब्लम हल करेगा, प्रॉब्लम तो हमको हमको खुद करनी है। हम लोग खत्म कर रहे हैं वो तो बोलो, क्या खत्म करने आए आप, डिस्काउंट खत्म करने नहीं आए? डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट तो खत्म कर दो, सब लोग खत्म हो जाएगा। सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, डिस्काउंट के खिलाफ ही, डिस्काउंट देना है नहीं देना है, तो अभी क्या बातचीत हुई है? देखिए सभी लोग चाहते हैं, अगर दिल से खुद उनका दिल उनका ईमान बोलता है डिस्काउंट खत्म करना है तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, बराबर सही है ना, उनका दिल है उनका ईमान है। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छी दवाई अच्छी स्टोर से अच्छी तरीके से खरीदें। हाँ बोलो बोलो, आज बोलो उसमें क्या, इनको बोलने दो भाई, हाँ मैं बताता हूँ, मैं सिंह साहब नहीं बता, नहीं नहीं पारस रावल, पारस रावल तिरुपति मेडिकल मुंबरा। भाई किसका भी अलग अलग मत दो, जो भी है सभी भाई ने बोल दिया, खत्म करो, सब चार चार बातें होगी सब सभी भाई का, वो करो आप बस, और किसका भी नहीं करना, और किसका भी नहीं करना, लेकिन किसका भी नहीं करना, खाली सभी भाई, खाली सभी भाई का ये लास्ट ले लो भले, लेकिन खाली जो आपको डालोगे मतलब नहीं ना, फिर मतलब नहीं ना, जब हमारी हमारी बात ही नहीं, इज्जत ही नहीं तो मतलब नहीं ना, अरे बोलो बोलो, जब हमारी बात ही नहीं, क्या ना मुमरा एसोसिएशन में क्या ना, तो हमें बोलने मतलब नहीं ना, जब हमें शकील भाई बोल रहे कि हमारा किसी का नाम नहीं डालना है, क्या नाम है, फिर क्यों क्या नाम है आप मीडिया लेके हमें क्या नाम है ये लेके बता रहे हैं, क्या नाम है ये लोग, नहीं क्या बोलिए ना आप, क्या बात नहीं हमारे, जब आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, ठीक है आपको अच्छा, मेरा नाम पारस रावल है, तिरुपति मेडिकल से हूँ, आपको मीडिया को अच्छा लगे तो मेरा मेरा मैसेज क्या नाम है, पब्लिक तक तो पहुँचाना, नहीं तो मत पहुँचाना, मैं किसी के अंडर या किसी का बात नहीं कर, जो सत्य है वो सत्य बात कर रहा हूँ। ये मुमरा में सबसे बहुत क्या नाम है प्रॉब्लम हो रही है, क्या नाम डिस्काउंट की, डिस्काउंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या नाम है, सबसे जो बड़ी बड़ी मेडिकल अंबिया मेडिकल है, अंबाजी मेडिकल, अपोलो फार्मेसी, क्या नाम है अपना मेडिकल, जितने बड़ी मेडिकल वो लोग मेडिकल आके क्या नाम है, पहले मेडिकल बराबर चल रही थी, डिस्काउंट का प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, लेकिन जब से बड़ी मेडिकल और चेन सिस्टम आई और डिस्काउंट चालू हुआ, तो जैसे बड़ी बड़ी मेडिकलों ने डिस्काउंट देना चालू किया तो छोटी मेडिकल वालों ने बोला कि जब वो डिस्काउंट दे तो हमारा बिजनेस क्यों खराब करें, लेकिन अभी ऐसे पहुंच गए कि बहुत मेडिकल स्टोर क्या नाम है जो खुद की नहीं है, सब रेंट पे है, उनको रेंट भरने को प्रॉब्लम पड़ रहा है, लेकिन आज उठ के ऐसी हालत है क्या नाम है कि एसोसिएशन मेडिकल स्टोर वालों के साथ है, समी भाई मेडिकल स्टोर वालों के साथ है, समी भाई ऐसे नहीं कि अलग है, समी भाई जो बोल रहे हैं वो 110% सही बात है, और समी भाई ने जो अभी जो बोला है क्या नाम है मीडिया को वो सही बात है, लेकिन पब्लिक तकलीफ कहाँ आ रही है, आज सब मेडिकल स्टोर आज 99% मेडिकल में 100% मेडिकल में 90% मेडिकल आज बंद है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मेडिकल वो खुली है, जैसे हमारे स्टेशन पे अपोलो फार्मेसी, अपना मेडिकल फार्मेसी सुबह चालू था लेकिन उन्होंने हमारे कहने से उन्होंने बंद किया, उन्होंने क्या बोला 12:30 तक मैं चालू रखा, बाद में मैं बंद रखूँगा,
नहीं उसके बाद नहीं एक मिनट, उसके बाद जो जो मेडिकल है बड़ी बड़ी मेडिकल, वो कहना मैं अपना अपने से नीचे नहीं उतरने चाहते। हमारा ये कहना है कि क्या नाम डिस्काउंट बंद या तो 0% करो, या तो भी अगर मेडिकल सहूलत के हिसाब से क्या नाम 10% रखा जाए। क्या नाम 10% इसलिए रखना चाहते हैं क्यों, क्योंकि आज क्या नाम है आप थाना एरिया में जाओ, बाड़े जाओ, तो हमारे जो कस्टमर है वो कस्टमर टूटेंगे। लॉस किसका होगा? मेडिकल वालों का होगा। तो इसलिए क्या नाम है ना, आज 10% डिस्काउंट देने से भी क्या नाम है, अगर मेडिकल वाला संतुष्ट है तो अपना मेडिकल स्टोर चालू रख सकता है।